हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये बनाया गया है आपके प्रेजेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल एंड आपके स्टूडेंट फीडबैक एंड एक्सपर्ट रिव्यू एंड आपके ओल्ड जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उसके क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल एंड आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है। उसके बाद ये कट ऑफ तैयार किया गया है। आप सभी को बता दें कि जो कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है ये मिनिमम है, यानी इससे ऊपर के अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे नेट के लिए या जेआरएफ के लिए। लेकिन अगर इससे 3% 2% नीचे अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो चांसेस वीक रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के लिए। तो इसके आधार पे आप आगामी परीक्षा के लिए अभी से रणनीति तैयार कर सकते हैं। लेकिन फाइनल कोई डिसीजन इसके आधार पे नहीं लेना है, यानी कि अभी से आपको तय नहीं कर लेना है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया या डिसक्वालीफाई हम हो गए हैं। आपको वेट करना है फाइनल रिजल्ट का, लेकिन यहाँ पे चांसेस किसी का होने वाला है, ज़्यादा उम्मीद यही होने वाली है कि इसके आसपास का ही फाइनल कट ऑफ आना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है 005 सोशियोलॉजी। जनरल कैटेगरी बात की जाए तो 68% के आसपास का स्कोर ज़्यादा ही अच्छा रहेगा जेआरएफ के लिए, नेट के लिए। अगर इससे 4% 5% ऊपर आपका स्कोर जा रहा है तो आपका 99% स्योरिटी के पास आप जाएंगे जेआरएफ के लिए। अगर बात किया जाए 58% के आसपास का स्कोर आपके लिए और बढ़िया रहेंगे, या इसके ऊपर के अगर आपके स्कोर आए तो वो और भी बढ़िया रहेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए। अगर EWS की बात की जाए तो जेआरएफ के लिए 66% से ऊपर के स्कोर स्ट्रांग रहेंगे एंड नेट के लिए 56% से ऊपर के स्कोर ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। OBC की बात की जाए तो 65% से ऊपर के स्कोर बेहतर रहेंगे जेआरएफ के लिए एंड नेट के लिए 56% या 55% से ऊपर जितना आपका स्कोर आ जाए। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 61% 62% से ऊपर के स्कोर बढ़िया रहेंगे जेआरएफ के लिए एंड 52% से 54% से ऊपर के स्कोर आपके बढ़िया चांसेस बनाएंगे नेट के लिए। ST की बात की जाए तो 59% या 60% के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो चांसेस स्ट्रांग रहेंगे जेआरएफ के लिए एंड 50+ या 53+ 52+ से अगर आपका स्कोर नियर है तो आपका चांसेस बढ़िया रहेंगे नेट के लिए। PWD कैटेगरी की बात की जाए तो बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, तो एवरेज लिया जाए उनका तो 54% के आसपास 55% के आसपास स्कोर स्ट्रांग रहेंगे इसी के आसपास के जेआरएफ के लिए एंड 48% 49% के आसपास के स्कोर आप सभी के लिए बढ़िया रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल एंड फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल कट ऑफ के लिए बेस्ट ऑफ लक।